मेरी मर्दन तिवारी, आप लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार एक राजा एक किसान से कहता है कि हे किसान, तू सुबह से चलना स्टार्ट कर और शाम तक तू जितनी जमीन पर चलकर पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आएगा जिस स्थान से तूने चलना शुरू किया है, तो उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब किसान बड़े सवेरे उठता है और चलना स्टार्ट कर देता है। वो लगातार आगे बढ़ता हुआ और खुशी के मारे पागल है कि आज तो हमें अपने नाम बहुत सारी जमीन कर लेनी है। चलते चलते दोपहर हो जाता है, लेकिन किसान की लालच नहीं ख़त्म होती। वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, सोचता है थोड़ा ज़मीन और कर लूँ। ऐसे करते करते वो बहुत आगे निकल जाता है। फिर उसे ख्याल आता है कि हमें उस स्थान तक पहुँचना भी है जहाँ से सुबह हमने चलना शुरू किया है, वरना कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। अब दिन कुछ ही बचा था, किसान लौटता है और बहुत तेज दौड़ता हुआ उस स्थान की ओर भागता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। वो देख रहा है कि सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। वह अपनी स्पीड और बढ़ाता है, हाँपता है और दौड़ता है, लेकिन दौड़ना बंद नहीं करता। अब क्या होता है, सूरज लाल हो जाता है और जाकर पत्तियों के पीछे छिपने लगता है। वह और तेज दौड़ता है, सूरज छिपने वाला ही होता है, चंद सेकंड बचे होते हैं। वह चंद सेकंड पहले उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब उसके नाम बहुत सारी जमीन हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत हाँप रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिरने के बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। अब किसान के नाम तो बहुत सारी जमीन हो चुकी थी, और उसके नाम बहुत सारी जमीन हो जाने के बावजूद भी वह बहुत थोड़ी सी जमीन कब्जा कर पाता है जहां उसे जलाया जाता है। कहानी का यही मीनिंग है दोस्त, कि हमें इतनी लालच नहीं करनी चाहिए या हमें इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए कि जिसे हम कर ही ना पाएं। बहुत सारे लोग पहले दिन ही इतना काम कर लेते हैं कि दूसरे दिन पुनः होने जाने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे कोई कहता है कि आज मैं जिम जाऊँगा और पहले दिन इतनी एक्सरसाइज कर ली कि उसके बाद वो दूसरे दिन जिम करने ही नहीं गया। अरे आप दो चार मिनट, दस मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घंटे दो घंटे ही जिम करें, या एक दिन आप पूरा दिन पढ़ते रहें और उसके बाद इतना उब गए दूसरे दिन पढ़ने का मन ही नहीं किया। आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़े थोड़े करके बढ़ाइए, लेकिन लगातार कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नई मोटिवेशनल वीडियो में।